हमीरपुर जनपद में रेलवे के प्राइवेट चौकीदार की हत्या से क्षेत्र में फैली सनसनी। चौकीदार की हत्यारों ने पीट पीट कर की हत्या। आपको बता दें कि मृतक चौकीदार के शरीर पर कई चोटों के निशान देखे गए हैं। रेलवे से संबंधित सरकारी सामान की कर्तव्यता रखवाली एएसपी और सीओ मौदा घटनास्थल पर पहुंचे। मौदा कोतवाली के इचौली गांव के पास का है पूरा मामला। वहीं पुलिस ने बताया कि दिनांक 28/11/2023 को समय करीब 8 बजे सूचना मिली ग्राम इचौली में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास एक चौकीदार रामसेवक पुत्र सुखा प्रजापति उम्र करीब 78 वर्ष ग्राम इचौली जो कि रेलवे के सामान की रखवाली करता है किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई है। सूचना पर थाना मौदा पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर देखा गया कि उक्त चौकीदार के माथे और दाढ़ी के नीचे चोट है। वहीं मौके पर जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि सुबह करीब 7 बजे गांव की मुन्नू लाल श्रीवास ने देखा तो अपने चारपाई के पास गिरे पड़े थे और करा रहे थे, जिन्हें परिजनों की मदद से मौके पर ही बिस्तर पर लिटाया गया जहां कुछ समय बाद चौकीदार की मृत्यु हो गई। वहीं शव को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कहां पर रेलवे का सामान पड़ता है चौकी में, तो ये जो है रात में वहां लेते थे, तो रात में कोई आया और कुल्हाड़ी को। किस जगह चोटें आई इनके? एक चोट यहाँ कुल्हाड़ी मारी गई है, एक चोट शायद इधर है। क्या लगता है कैसे हत्या की गई है? ये कुल्हाड़ी मारी गई है। आप लोग को कैसे जानकारी मिली? हम गए थे ना उधर जहाँ ये लेटा करता था, वहाँ गए थे हम। क्या नाम है? मेरे पिताजी हैं ये, इनका नाम रामसेवक है। क्या हुआ है? ये 6 लाइन के नीचे किसी ने जो है अनिवक्त बच्चे इनको कुल्हाड़ी नंबर इसी पे सके आपको? नहीं, अभी अभी किसी का पक नहीं है। कहाँ कहाँ चोटें आई हैं? चार चोटें सर थर में है और यहाँ भी हैं। यहाँ पे घाव है।